नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रवि शुक्ला। आज आओ पढ़े आगे बढ़े के इस भाग में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कविता एक तिनका। ये कविता सीबीएसई बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही पुस्तक कक्षा सातवीं वसंत भाग दो की कविता क्रमांक 13 है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या है? कविता का उद्देश्य यकीनन यही है कि हम अपने जीवन में कितने भी बड़े बन जाएं, हम अपने जीवन में कितने भी प्रतिष्ठित क्यों ना हो जाएं, हम समाज में कितना भी ऊंचा पद क्यों ना पालें, पर हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में अहम को, अहंकार को, घमंड को कभी अपने करीब नहीं आने देना चाहिए। इसीलिए इस कविता को रखने से पूर्व हमें इस बात को समझना होगा कि इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि रावण हो, दुर्योधन हो या बड़े से बड़ा योद्धा हो, जिसने इंद्र को जीता हो, जिसने बड़े से बड़े राजाओं को जीता हो, जिसने चारों दिशाओं में शासन किया हो, वक्त ने एक ऐसी परिस्थिति निर्माण की कि उसका घमंड चकनाचूर हो गया, उसका घमंड टूट गया। इसीलिए कबीर ने कहा भी है कि अपने पांव के नीचे पड़ी हुई घास को कभी इस तरह से मत रौंदो कि वो उड़ करके जब तुम्हारे आंख में जाए तो वो उसका बदला लेने लगे, और छोटी सी घास को जिसे आज तुम मसल रहे हो, जिसे आज तुम रौंद रहे हो, कल यदि वो आपके आंख में चली जाती है तो यकीनन आपको जितनी तकलीफ आपने उसे दी है उससे कई लाख गुना ज्यादा तकलीफ आपको दे सकती है। कविता कुछ इसी संदर्भ में यहां पर अयोध्या सिंह उपाध्याय ने रखा है, रचने की कोशिश की है। कविता में हम प्रवेश करते हैं तो कविता की पहली ही पंक्ति हमें इस बात को बतलाती है कि हम अपने समाज में, हम अपनी सोसाइटी में, हम हमारे आसपास जिन लोगों को देखते हैं जो घमंड से चूर हैं, जो घमंडी, घमंड से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, गुरूर और घमंड जिनकी बातों से छलकता है, जिनके कपड़ों से छलकता है, जिनके रहन सहन से छलकता है, ये कविता यकीनन उन सभी के लिए एक प्रेरक कविता होगी, मार्गदर्शक कविता होगी। यकीनन यदि वे उससे सीख लें, सबक लें, तो उन्हें उनके जीवन में बहुत कुछ मिल सकता है। कविता एक तिनका। कविता की शुरुआत होती है, मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। कवि कह रहे हैं, कवि ने यहां पर किसी और को कविता समर्पित न करते हुए अपने ऊपर कविता लिखी है, और कवि कहते हैं कि एक दिन जब मैं मुंडेरे पर खड़ा था, अपनी छत पर खड़ा था, छत के किनारे खड़ा था, मैंने क्या देखा कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वे कितने छोटे हैं, कितने निम्न स्तर के हैं, उनमें और मुझमें कितना अंतर है। कवि ये बतलाना चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोगों को हम लोग दोपहिया वाहन से, चार पहिया वाहन से, उसके घर की टीवी के साइज से, उसके घर के कमरों से, उसके बच्चों के रहन सहन से, उसकी पत्नी के आचार विचार से, उसके पूरे भौतिक संसाधन से, उसका और अपना दोनों के बीच में हम अंतर निकालने लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने आप को उससे श्रेष्ठ मानने लगते हैं। यदि उसके पास दोपहिया है और आपके पास चार पहिया है तो आप उसमें उससे अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे, और यही घमंड का परिचायक होता है, यही घमंड की शुरुआत होती है, यही घमंड की पहली सीढ़ी होती है। यहां पर अयोध्या सिंह उपाध्याय जी यही कहना चाहते हैं कि एक दिन जब मैं मुंडेरे पर खड़ा था, मैं अपने छत पर खड़ा आसमान को निहार रहा था, यकीनन हो सकता है कि उनके आसपास जितने लोग रहे होंगे उन्होंने यकीनन जरूर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर देखा होगा कि वे उनसे अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे होंगे। मैं मुंडेरे पर जब था खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, तभी दूर से अचानक उड़ता हुआ, आंधी के साथ उड़ता हुआ एक छोटा सा तिनका मेरी आंख में आकर के पड़ा। आप कल्पना करिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, आप पैदल चल रहे हैं, और आप यदि इनमें से भी कुछ नहीं कर रहे और आप सिर्फ बैठे भी हैं, और अचानक आपके आंख में एक छोटा सा बारीक कण, एक छोटा सा बारीक तिनका आकर आंख में पड़ जाता है, तो आपकी स्थिति क्या होती है? आप तब तक अपने आप को चैन नहीं पाते, आप अपने आप पर तब तक चैन नहीं पाते, आप बेचैन रहते हैं जब तक कि आपकी आंख से वो तिनका निकल नहीं जाता, वो कण निकल नहीं जाता।
आपके आसपास के जितने लोग होते हैं उस तिनके को, उस कण को निकालने की कोशिश करते हैं। मम्मी कहती है ठंडे पानी से मुंह धो लो, पापा कहते हैं लाओ मैं तुमको अपनी रुमाल से सेंक देता हूं। अलग अलग प्रकार के, ना जाने किस किस प्रकार के हमारे आसपास बैठे लोग प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं। कवि वही कह रहे हैं कि अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, उसकी आंख में। यकीन, कल्पना आप कर सकते हैं कि आप छत पर खड़े हैं, गर्मी का मौसम है, आप शाम को चाय की प्याली लेकर के आसमान को निहार रहे हैं, सुनहरे कलर का आसमान आपको बड़ा मनमोहक लग रहा है, और आसपास चलते हुए लोगों के साथ आप अपनी कल्पना कर रहे हैं, देखो कैसा छोटा आदमी है दुपहिया पर जा रहा है, देखो कैसा छोटा आदमी है, उसमें और मुझमें कितना अंतर है। और हम घमंड में बैठे हुए, घमंड में खड़े हुए उसकी और अपने अंतर को स्पष्ट कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक आंधी चलती है, हवा का झोंका आता है और आकर के आपकी आंख में खट करके वो तिनका चला जाता है। आपको ये बतलाने के लिए कि आप जो चीज कर रहे हैं यकीनन वो गलत है। और कवि के साथ भी यही हुआ, कवि ने देखा कि उसकी आंख में अचानक आकर के एक तिनका गया, एक तिनका पड़ गया, एक तिनका गिरा, और कवि बेचैन हो उठा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। कवि कह रहे हैं कि मैं झिझक गया, मैं बेचैन हो गया, मेरा चैनो हराम सब खो गया। अचानक उनके हाथों में जो कुछ रहा होगा वो छूट गया होगा, या उन्होंने रख दिया होगा, उन्होंने आंख को मलते हुए, उन्होंने अपनी आंख ली होगी, आंख को मला होगा, खूब उसे मसला होगा, और आंख मसल करके वही चुपचाप बैठ गए। कवि एक छोटी सी घटना से हमको न सिर्फ जोड़ रहे हैं बल्कि ये समझाना चाहते हैं कि एक छोटा सा तिनका हमारे जीवन में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारे जीवन में हमें सीख देने के लिए, हमें हमारे घमंड से बाहर लाने के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। कवि कहते हैं लाल होकर आंख भी दुखने लगी। आप कल्पना करिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप चुपचाप बैठे हैं, आपकी आंख में अचानक तिनका चला जाता है, आप उस तिनके को निकालने के प्रयास में आंखों को मसलते हैं, और इतना मसलते हैं कि वो तिनका एक किनार से दूसरी किनार पहुंच जाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच जाता है, और मसलते मसलते आपकी आंख लाल हो जाती है। कवि के साथ भी वही हुआ, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। कवि कह रहे हैं कि मेरी आंख जो थी वो दर्द करने लगी, उसमें जलन होने लगा, उसमें मुझे दर्द का एहसास हुआ। और कवि ने जब आंख मसलना शुरू किया, मूठ देने लोग कपड़े की लगे। महत्वपूर्ण, कवि कह रहे हैं जब मुझे लोगों ने देखा कि देखो वो सज्जन अपनी छत पर कुछ तो भी दर्द में है, किसी प्रकार के दर्द में है, लोग दौड़कर उसके पास आए और लोगों ने उसको कपड़े की मूठ देना शुरू किया। हम जब किसी की आंख में कुछ चला जाता है तो हम कपड़े को गोल करके, उसको भाप लगा करके उसकी आंख सेकने की कोशिश करते हैं, या माँ आपकी अपने आंचल से आपके आंख से उस जो भी आपकी आंख में गया है उसको निकालने का बारीक प्रयास करती है, लोग उसके पास दौड़ करके आए। मैं जो एक उदाहरण अपनी कक्षा में हमेशा देता हूं, मैं यहां देना लाजमी समझता हूं कि हमारे पहले सगे कौन होते हैं? हमारे रिश्तेदार नहीं होते, पहले सगे हमारे हमारे पड़ोसी होते हैं। यकीन मानिए, आप अपने काम पर गए हैं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग आपके घर पर अकेले हैं, और अचानक यदि कोई घटना घट जाती है तो आपके ऑफिस से पहुंचने तक उनको पहली मदद कौन करेगा? आपका पड़ोसी करेगा। आप कहीं दूर शहर में रहते हैं, आपकी पहली मदद कौन करेगा? आपका पड़ोसी करेगा। यकीन मानिए, यदि आपके पड़ोसी के साथ आपके अच्छे संबंध हैं तो आपके किसी अन्य के साथ में अच्छे संबंध रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहला भगवान भी हमारा पड़ोसी होता है, पहला रिश्तेदार भी हमारा पड़ोसी होता है। और ये पड़ोसी न केवल हमें सही समय पर मदद करता है बल्कि यथोचित मदद करके हमारा बहुत बड़ा, हमारे इस जीवन से जो भी हम पर मुसीबत आई होती है उसको दूर करने का प्रयास करता है। और यदि आपके पड़ोसी के साथ संबंध अच्छे नहीं है तब भी इंसानियत के नाते वो आपकी सहायता करता है। आपने याद कीजिए, कभी किसी को बुरा भला कह दिया होगा, लेकिन आपके घर पर अकस्मात अचानक कोई घटना घटी तो हो सकता है कि उसी ने उस घटना से आपको बाहर निकाला होगा, पर तब आप शर्मिंदा हुए होंगे, आप लज्जित हुए होंगे, आप उससे आंखों से आंखें मिला करके माफी नहीं मांग पा रहे होंगे। और यही होता है, हम हमारे पड़ोसियों को नीचा दिखाते हैं, मात्र किस चीज पर? छोटी छोटी चीजों से।
छोटी छोटे विषयों से, क्या भौतिक संसाधनों से हम अपने आप को तोलने लगते हैं, हम हमारे घर से उसको कंपेयर करने लगते हैं, हम उसमें और अपने आप में बहुत इतने दूर दूरियां स्थापित कर लेते हैं कि उसके और हमारे बीच में वो दूरियां हमारे अच्छे रिश्ते को खत्म कर देती है। कवि के साथ भी वही हुआ। कवि कह रहे हैं, मेरे आसपास के जितने लोग थे जिनको आज तक मैं अपना नहीं समझता था, जिनको आज तक मैंने अपना नहीं जाना था, जो मुझे लगता नहीं था कि जरूरत पड़ने पर ये मेरी सहायता करेगा। आप कल्पना कीजिए, राम और श्याम नाम के दो व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में अनबन है, राम काम पर गया है, श्याम घर पर अकेला है, और उसके पड़ोस में राम के घर पर किसी बुजुर्ग को एक्सीडेंट हो गया, घर पे गिर गया, उसके घर पर अचानक कोई घटना घट गई, राम ऑफिस के काम से 3 दिन बाद लौटने वाला है, उसको ऐसी जगह पर गया है जहां पर किसी प्रकार का आप संपर्क करें तो भी तुरंत लौट कर नहीं आ सकता। यदि आपके पड़ोसी ने राम के घर पर यदि घटना घटी और श्याम को पता चला तो वही श्याम दौड़ करके उस बुजुर्ग की मदद करेगा, उसके राम की पत्नी की मदद करेगा, उसके बच्चों की मदद करेगा। यदि अकस्मात चोर भी दिखाई देंगे तो उनको भगाने के लिए पहला श्याम खड़ा होगा। भले ही दोनों के बीच में संबंध अच्छे ना हो लेकिन इंसानियत का नाता श्याम रखेगा, और जब 3 दिन बाद आप लौट करके आएंगे और आपको घटना का पता चलेगा, आप उसके घर पर जाकर के उससे क्षमा मांगेंगे, आंखों से आंखें नहीं मिला पाएंगे आप, क्योंकि आपने उसके और अपने बीच में इतनी दूरियां बना दी है मात्र किस बात की कि आप उसको उससे अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे थे। यकीन करिए, छोटा सा व्यक्ति भी इस समाज में उतना प्रतिष्ठित होता है जितना कि हम उसे समझते नहीं हैं। एनसीईआरटी भोपाल के एक सज्जन कहते हैं कि यदि इस समाज में, यदि इस संसार में सब कुछ हर कोई बड़ा बनने की कोशिश करेगा तो छोटा कौन रहेगा, हमारे और आपके आसपास का गटर कौन साफ करेगा, सब्जी बेचने के लिए कौन आएगा, मोची का काम कौन करेगा, दूध कौन बेचेगा, साइकिल का गाड़ी का पंक्चर कौन बनाएगा, अरे साहब चाय कौन पिलाएगा। सब बड़ा बनने लगे ना तो आपके और हमारे घरों में जो नौकर आते हैं ना वो नौकर भी नहीं आएंगे, हमारे और आपके जो जूते फटने के बाद सिलते हैं ना वो भी नहीं सिलेंगे, अकस्मात अचानक आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाए तो उसे पंक्चर बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए जरूरी है इस समाज में, संसार में हर प्रकार के वर्ग के लोगों का होना। यदि कुदरत ये चाहती कि सब अमीर हो जाएं, सभी बड़े बड़े बन जाएं, सभी चार चक्के से घूमने लगें, सभी महलों में लगने लगें, तो यकीन मानिए कि संसार का चलना इस कुदरत का नियम नहीं होता, इस बराबर चला नहीं पाती थी। और यही कवि कहते हैं कि लोग उसके आसपास आए, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, और ऐठ बेचारी दबे पांव भागी। जो ऐठ थी, जो अकड़ थी, जो घमंड था, वो उससे दूर हो गया, वो भाग गया। वो इसलिए भागा क्योंकि उसे अब रुकने का वहां पर कोई प्रतिफल दिखाई नहीं दे रहा था। एट को समझ में आ गया कि इस व्यक्ति ने आज अपने आप को सुधार लिया है, इस व्यक्ति ने आज अपने अहंकार को, अपने घमंड को त्याग दिया है जो उनसे मदद लेने के लिए आ रहा है। मैं आपको दो सीधे सीधे उदाहरण देना चाहता हूं। राम किसी घटना में फंसा हुआ था, श्याम दौड़ करके उसकी मदद करने के लिए आता है, राम उसको मना करता है, अरे मैं इसके साथ में नहीं करवाऊंगा, फिर भी श्याम उसकी मदद करता है, क्यों, इंसानियत के नाते। राम फिर से मुसीबत में फंसा हुआ है, श्याम उसको मदद करने के लिए आता है, और राम इस बार अपने आप से उसकी सहायता लेने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इतनी भीड़ में से कोई और नहीं है जो उसकी सहायता कर सकता है, कि इकलौता केवल श्याम है जो उसकी मदद करके उसको इस मुसीबत से, इस घटना से बाहर निकाल सकता है। ये विश्वास होता है, ये इंसानियत होती है, और इसी इंसानियत और विश्वास को बरकरार रखने के लिए ये सृष्टि चल रही है, ये कायनात चल रही है, ये ब्रह्मांड चल रहा है। कभी भी वही कहते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने सहकर्मियों से, अपने सहकर्मचारियों से, अपने कर्मचार, अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में, अपने दफ्तर में जहां आप काम कर रहे हैं, वहां पर छोटे प्यून से लेकर के चपरासी से लेकर के सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के हर किसी के साथ में आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। साहब आप एक दिन यदि ऑफिस का आई कार्ड भूल गए तो चौकीदार आपको दरवाजे के भीतर नहीं घुसने देगा, पर कल्पना करिए आपके यदि संबंध अच्छे हैं ना तो आपको सीधे अंदर ले जाएगा और बड़े प्यार से आपके साथ व्यवहार भी करेगा। यदि आप किसी मुसीबत में हैं, बॉस ने आपको काम सौंप दिया है या कोई काम आप भूल गए थे, चपरासी को बताने बोला है आपको कि साहब को जाकर के बता दो, यदि चपरासी चाहेगा और उसके और आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, आपको काम नहीं बताएगा, उसको क्या है, दो डांट खा लेगा लेकिन आपकी नौकरी निकलवा, आपको नौकरी से निकलवा देगा। ये वस्तु स्थितियां हमारे समाज में है,
और कवि वही कहना चाहते हैं, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भागी। जब मैंने देखा कि लोग मेरे आसपास आ गए हैं, वे लोग मेरे आसपास आ गए जिनको कि मैं कुछ समझता ही नहीं था, जिनको कि मैं अपने से कम समझता था, मुझे ऐसा लगता था ये लोग मेरे किसी काम के नहीं है, ये लोग निम्न स्तर के हैं, ये लोग मेरे लेवल पर नहीं आते, पर आज इन्होंने मेरी सहायता कर दी, आज इन्होंने मेरी मदद कर दी। मैं ऐसे लोगों को सलाम करता हूं, मैं ऐसे लोगों को सल्यूट करता हूं, और आज से मेरा विचार इन लोगों के प्रति बदल गया है। अब ये मुझे अपने स्तर के, अपने लेवल के लगने लगे हैं, या मैं इन्हें अपने लेवल का समझने लगूं, इससे बढ़कर के कल्पना कवि की और कुछ नहीं हो सकती। कवि अंतिम पद में कहते हैं, जब किसी ढप से निकल तिनका गया, ढप का अर्थ होता है तरीका, जब किसी ढप से निकल तिनका गया, लोगों ने अलग अलग प्रयास किए, किसी ने फूंक मारी होगी, किसी ने रुमाल लगा करके उसको सहलाया होगा, किसी ने पानी मारा होगा, और जब किसी तरीके से, किसी ढप से, किसी प्रकार से तिनका निकल गया, तब समझने यो मुझे ताने कसे। कवि कह रहे हैं, समझ, मेरी समझदारी ने, मेरी अंडरस्टैंडिंग ने मुझे ताने कसे, ताने कसना मतलब धिक्कारना, जैसे राम और श्याम के बीच की घटना, राम अपने आप को धिक्कार रहा होगा कि जिसे मैं इतना निम्न स्तर का समझता था, जिसे मुझे लगता था कि मेरे सामने कुछ भी नहीं है, आज वही मेरी मदद करने के लिए तैयार खड़ा है, आज वही मेरी सहायता करने के लिए तैयार खड़ा है, तब राम की अकड़ उसको ताने कस रही होगी, उसको धिक्कार रही होगी, कवि की अकड़ भी उसको धिक्कारती, उसको ताने कसती है। तब समझने यो मुझे ताने कसे, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, ऐठना मतलब अकड़ना, हम किस लिए इतना अकड़ रहे थे, पैसों पर, जो खाली हाथ आया था खाली हाथ चला जाएगा, अच्छे कपड़ों पर, जिस हालत में आए थे ना साहब उसी हालत में जाओगे। एक छोटी सी कहानी आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। एक सज्जन थे, बहुत धनवान सेठ थे, उनके बेटे से उन्होंने आखिरी इच्छा रखी थी, और वो इच्छा ये थी कि बेटा जब मैं मर जाऊं ना तो मुझे नए जुलाब, नए मुझे मोजे पहना करके तुम विदा करना, रुखसत करना, मेरी अंतिम यात्रा में मैं बस नया मोजा पहने रहूं, इतना तुम ख्याल रखना। उसके पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए जैसे ही पिता का निधन हुआ, उनका अंतिम संस्कार करने से पहले जो नहलाया धुलाया जाता है, पंडित आए आदि आए, उन्होंने नया कपड़ा पहना दिया, आदि चीजें हो गई, कफन पहनाया गया, बेटा दौड़ते दौड़ते आया, ब्रांडेड मोजा लेकर के आया, 1,000-1,500 का मोजा रहा होगा, वो मोजा दौड़ करके लाया, पंडित को कहा हटो हटो, चीर को, उसने पूरी भीड़ को चीरते हुए आया और कहा कि ये मोजा मुझे पहनाना है मेरे पिताजी को। पंडित सब सब पका गए, सबकी आंखें चौंधी आ गई कि आखिर इस सज्जन को क्या हो गया है, क्या ये पगला गया है अपने पिता के दुख में। उसने सभी पंडितों से कहा, मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि मैं उनको ये मोजा पहनाऊं, मुझे मोजा पहनाने दो। तब सभी ने आपस में एक दूसरे की तरफ देख करके कहा, बेटा तुम मोजा नहीं पहना सकते, ये हमारे संस्कार नहीं है, हमारी रीति नहीं है, ये हमारा तरीका नहीं है। तभी अचानक एक सज्जन बुजुर्ग व्यक्ति वहां से आए, उन्होंने अपने उस बेटे के हाथ में उसके पिता का पत्र दिया जो विरासत के रूप में था, जो ये कह लीजिए कि अंतिम पत्र उसने लिखा था, और उसने अपने अपने पिता का पत्र पढ़ा, उस पत्र में लिखा था, देखो बेटा तुमने मेरे लिए इतनी धन संपत्ति कमाई, मैंने तुम्हारे लिए इतनी धन संपत्ति कमाई, पर तुम मुझे मरने के बाद में एक मोजा भी नहीं पहना पा रहे हो, ब्रांडेड मोजा मेरे लिए क्यों ना लेकर के आए हो, पर तुम मुझे फटा और ब्रांडेड किसी प्रकार का मोजा नहीं पहना सकते। मैं तुमको यही सिखाना चाहता हूं कि यदि तुम इस संसार में रह रहे हो तो तुम्हारे पास अकाउंट में कितने रुपए रखे हैं मायने रखेंगे, तुम किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हो, जब तक सांसें चल रही है तभी तक मायने रखेंगे, पर माफ कीजिए साहब, जिस दिन आपकी सांसें बंद हो गई, आपके ये धर आपके करोड़ों रुपए अरबों रुपए अकाउंट में पड़े के पड़े रह जाएंगे, आपके बैंक बैलेंस, आपकी गाड़ियां, आपके बंगले सब धरे धरे रह जाएंगे, केवल आपके साथ मेरी कोई चीज जाएगा तो अच्छे संबंध जाएंगे, अच्छी यादें जाएंगी। पिता का पत्र पढ़ करके पुत्र समझ गया कि इस सृष्टि में, इस संसार में यदि कोई अच्छी चीज है तो केवल एक ही चीज है, संबंध, रिश्ते और वाणी में मिठास। यदि आप इस चीज को अपना लेते हैं तो यकीनन आपको आपके मरने के बाद में लोग याद तो जरूर करेंगे। कवि भी यही कहते हैं कि तब मुझे मेरी समझ ने, मेरी अंडरस्टैंडिंग ने मुझे इस प्रकार से ताने कसे कि ऐठता तू किस लिए इतना रहा, किस चीज पर अकड़ रहा था, अपने कपड़ों पर, अपनी गाड़ियों पर, अपने वैभव पर, ये सब यही
इस धरा का सब कुछ धरा पर धरा रह जाएगा, अपने साथ आप कुछ नहीं ले जा पाएंगे। यमराज आपको पूछने के लिए नहीं आएगा, यमदूत आपके पास नहीं आएगा कि साहब आपके पास कितने करोड़ रुपए हैं, आपको कौन सा अकाउंट वहां खुलवाना है, इसको इस पैसे को यहां से वहां ट्रांसफर करने हैं, आप यमलोक में ये प्लॉट ले लीजिए, वहां पर ये स्कीम चल रही है, क्या आप फोर व्हीलर लेंगे, आप मर्सिडीज लेंगे, आप बलेनो लेंगे, आप क्या लेंगे, आपके पास किसी प्रकार की वहां पर कोई भी विशेष रूप से विशेष व्यक्ति के लिए विशेष प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। मरने के बाद क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता, जब तक जी रहे हो अकड़ को त्याग करके एक सादगी के साथ जियो, एक समरसता के साथ में जियो, एक मुस्कुराहट के साथ जियो, प्रेम व्यवहार के साथ में जियो। कवि कहते हैं, ऐठ तातु किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कवि का कहना है कि एक छोटे से तिनके ने मेरी अकड़ को, मेरे घमंड को, मेरे गरूर को आज चूर चूर कर दिया। एक छोटे से तिनके ने मुझे सबक दे दिया, सीख दे दिया कि मेरी अकड़ ये बेकार थी, मेरी ऐंठ ये बेकार थी। यदि मैं सभी के साथ सौहार्दपूर्ण प्रेमपूर्ण व्यवहार रख सकता हूं तो ही इस जीवन का कोई मतलब हो सकता है। कवि का ये कहना कि अकड़, घमंड, गुरूर सब कुछ मेरा दूर हो गया, सभी से दूर हो गया, और यकीनन कवि ने सभी को गले लगा लिया होगा, सभी को बिठा करके चाय पिलाई होगी, सभी के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार किया होगा, और अगले दिन की सुबह से जैसे ही वो निकला होगा और रास्ते पर जितने भी लोग उसको मिले होंगे सबको सलाम किया होगा, सभी की दुआ ली होगी और सभी के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार बनाने में वो सफल रहा होगा। कवि हमें यही समझाना चाहते हैं कि एक छोटे से तिनके ने हमारे यदि जीवन में प्रवेश किया तो हमारी बड़ी से बड़ी अकड़ को, हमारी बड़ी से बड़ी ईगो को तोड़ने के लिए काफी हो सकता है। ये थी कविता एक तिनका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के लिखी हुई। इस कविता के माध्यम से हम और आप ये समझ सकते हैं कि चाहे किसी भी प्रकार का वैभव आपके पास हो, आप कितने भी प्रतिष्ठित हो, आप कितने भी धनवान हो, आप कितने भी बड़े बन जाएं, पर कभी घमंड को, पर कभी गुरूर को अपने पास मत आने दीजिए, क्योंकि यदि आपके जीवन में, आपके नेचर में, आपके व्यवहार में यदि एक बार आ गया तो माफ कीजिए जनाब, ये जल्दी निकलता नहीं है, और यदि इसे निकालना है तो फिर से आपके साथ कोई घटना घटेगी जो एक तिनके के रूप में होगी और वो आपकी अकड़ को तोड़ देगा और आपको एक सच्चा इंसान दोबारा से पुनः बना देगा। ये थी कविता एक तिनका। आपको कैसी लगी इसका कमेंट बॉक्स में हमें इंतजार रहेगा। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास, आपके मोबाइल तक, आपके कंप्यूटर तक, आपके लैपटॉप तक बड़ी आसानी से प्राप्त हो सके। और यदि आपको पसंद आता है तो पसंद करें और अन्य लोगों के साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।